नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने इंस्टीट्यूट के लिए एक एडमिशन फॉर्म बनाएंगे, एक ऐसा फॉर्म बनाएंगे जिसका प्रयोग ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए किया जा सकता है। दैट मीन्स जब हम लोग फॉर्म बनाएंगे तो उसका लिंक भी बनाएंगे और जब उस लिंक को हम शेयर करेंगे, जिस भी व्यक्ति के पास उसको भेजेंगे, तो वो व्यक्ति हमारे इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन एडमिशन ले सकता है। साथ ही साथ आप इसे किसी भी वेबसाइट में भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट है तो वहाँ पर भी इस कोड को पेस्ट करके ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वेबसाइट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिंक को शेयर कर सकते हैं, है ना। जिसके पास लिंक जाएगा, जब उस पर वो क्लिक करेगा तो जो भी डिटेल्स पूछा जाएगा, जब वो डिटेल्स डालेगा और फिर जब वो सबमिट करेगा तो वो पूरी डिटेल्स आपके पास चला आएगा, यानी कि जो भी डिटेल्स आप उससे पूछोगे ना वही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि ऑटोमेटिक काम करेगा। सबसे पहले आप एडमिशन फॉर्म बनाएंगे और उस एडमिशन फॉर्म में आप जो भी पूछेंगे उससे तो वही वहां पूछा जाएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने एडमिशन फॉर्म में क्या क्या डालना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे गूगल फॉर्म। क्या यूज करेंगे? गूगल फॉर्म, जो कि स्पेशल ड्राइव में दिया हुआ रहता है। इसके अलावा आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं, है ना। गूगल फॉर्म डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं। अब मेरा ये देखो, ये क्रोम ब्राउजर है, मैं यहां पर जाता हूं। आज मेरी तबीयत थोड़ा ये है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो माफ करना, बिकॉज ये वीडियो मैं जबरदस्ती बना रहा हूं, तो आप ध्यान देना इसको। तो देखो यहां पे ये हमारा ड्राइव है, मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये हमारा जो ड्राइव है, गूगल ड्राइव, ये ओपन हो जाएगा। अभी बहुत सारी वीडियोस ड्राइव पर आने वाला है, ठीक है ना। अभी बहुत कुछ मैं आपको गूगल ड्राइव के अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। गूगल ड्राइव के अंदर वेबसाइट भी बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, हम बात करने वाले हैं न्यू में जाने के बाद, यहाँ पे जो दिख रहा है ना गूगल फॉर्म, इसी को आज हम लोग यूज करेंगे। या कोई जरूरी नहीं है, मैंने ऐसा ही बता दिया कि हाँ भाई आपको ड्राइव में जाना है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे गूगल फॉर्म लिख सकते हो, है ना। गूगल फॉर्म लिखोगे तो यहाँ पे खुलेगा, देखो यहाँ पे, तो इसको आप क्लिक कर सकते हो। और क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ऐसा खुलेगा जैसे गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है। डॉक्स मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, शीट मतलब एक्सेल की तरह, स्लाइड मतलब पावर पॉइंट की तरह, ये आपका हो गया फॉर्म, है ना, जो आप इसमें फॉर्म जनरेट कर सकते हो। अब गो टू गूगल फॉर्म पे क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास वही वाला ऑप्शन खुलेगा जो कि गूगल ड्राइव में खुलता था, तो थोड़ा वहां से अच्छा लगता है, भाई क्यों हम इधर आएंगे। अब यहाँ से ब्लैंक लेना है तो आप ब्लैंक ले सकते हो। अब ब्लैंक लेने के बाद देखिए आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म खुलेगा। अब फॉर्म खुद से बनाना पड़ेगा, देखो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर जाएंगे न्यू में, डायरेक्टली हम लोग गूगल ड्राइव में जाते हैं। हम यहाँ पे न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्म है। अगर हम गूगल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास गूगल फॉर्म खुल जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक ब्लैंक फॉर्म और एक टेम्पलेट करके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ। एक ब्लैंक फॉर्म है, एक फॉर्म और टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि आपको पहले से डिजाइन किया हुआ फॉर्म मिलेगा। मैं करके दिखाता हूँ, मैं जाऊँगा फॉर्म और टेम्पलेट, देखिएगा क्या खुलता है हमारे पास। देखिए ये बहुत सारे टेम्पलेट हमारे पास खुल कर आ जाते हैं, हम जो भी डिजाइन लेना चाहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत ऑप्शन है, ब्लैंक क्विज। अगर आप मान लीजिए क्या होता है कि अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो आप चाहते हैं बच्चों से मतलब टेस्ट लेना, है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना, तो आप गूगल फॉर्म में जा करके आप क्विज वाला भी यहाँ पे क्वेश्चंस बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बहुत कस्टमर फीडबैक है, पार्टी इनवाइट है, ये सब कुछ यहाँ पर है। ये तो टेम्पलेट, अगर आपको ब्लैंक लेना है तो यहाँ से ब्लैंक भी ले सकते हैं,
ये चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते थे। देखे ना, यहाँ से ये ब्लैंक फॉर्म अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे डायरेक्ट, अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे तो ब्लैंक ऑटोमेटिक खुल जाएगा। देखो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक ये खुल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे पहला है क्वेश्चंस और यह है रिस्पॉन्स। क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप जो जो स्टूडेंट से क्वेश्चंस करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। आपको नाम पूछना है, एड्रेस पूछना है, स्टेट पूछना है, पिन कोड पूछना है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, फोटो अपलोड करवाना है ना, जो जो आप पूछना चाहते हैं उस स्टूडेंट से वो यहाँ पे बनाएंगे। और अगला है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि आपने किसी के पास लिंक शेयर कर दिया और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एडमिशन ले चुके हैं, मतलब ये जो आप फॉर्म शेयर करेंगे तो इस फॉर्म के जरिए अगर 10 स्टूडेंट सबमिट कर देते हैं तो रिस्पॉन्स में दिखेगा, है ना। जैसे ही आप इस लिंक को किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेंगे और जब वो व्यक्ति अपना डिटेल्स भर करके सबमिट करेगा तो वो जानकारी रिस्पॉन्स में मिलेगा कि हाँ भैया एक व्यक्ति ने एडमिशन लिया, दूसरे ने लिया, तीसरे व्यक्ति ने लिया, सब वहां पे नोटिफिकेशन देगा। और जब आप वहां पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट शो हो जाएगी कि हाँ इतने बच्चे आज एडमिशन लिए हैं और आप उनकी पूरी डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ पे है कस्टमाइज थीम। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इस थीम को, ये जो थीम आपके पास दिख रहा है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, है ना। सबसे पहला हीडर। हीडर में क्या होता है कि ये आपका हीडर है, यहाँ पे देखो अनटाइटल फॉर्म दिख रहा है ना, ये आपका हेडिंग रहता है, अभी आपका यही हेडिंग है। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हीडर में चूज एन इमेज पे क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे देखिए खुलेगा। अब अगर आप कोई और इमेज लगाना चाहते हैं अपने हेडिंग में, है ना, हीडर में, जब कोई हमारा एडमिशन फॉर्म ओपन करेगा तो उसको एक हेडिंग में इमेज दिखेगा। अब यहाँ पे अपना कस्टम इमेज भी लगा सकते हैं, जैसे AIO कंप्यूटर जोन, हम खुद का इमेज मतलब बैनर के रूप में लगा सकते हैं, ठीक है ना, सबसे ऊपर में। तो सबसे पहले तो हम चूज करेंगे यहीं से, है ना। तो एजुकेशनल है हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एजुकेशनल अगर मिल जाते तो ठीक है, स्कूल के लिए, हाँ तो सही है स्कूल के लिए, हाँ ये सही है, तो स्कूल के लिए है तो देखते हैं। जैसे एजुकेशनल के लिए अच्छा ये लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से ये इंसर्ट हो जाएगा, देखना, है ना। तो ये ऐसा शो कर रहा है। अब मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। देखो ये हमारे यहाँ पे प्रीव्यू है, हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। देखिएगा, देखिए जब कोई भी बंदा हमारे लिंक पर क्लिक करेगा तो उसको हेडिंग में इस तरह का इमेज दिखाई देगा। अभी नीचे में कुछ नहीं है क्योंकि हम लोगों ने भी बनाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने इमेज डाला है। तो जैसे ही हम लोग प्रीव्यू किए, यानी कि जैसे ही कोई बंदा हमारे लिंक पर क्लिक करेगा तो उसको हेडिंग में ऐसा दिखेगा। अब मान के चलिए यहाँ पे अपना इमेज लगाना है, तो इसको कैंसिल करके चूज एन इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड का ऑप्शन है और एक फोटो का ऑप्शन है, है ना। तो यहाँ हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग अपना इमेज खुद का डालेंगे, ठीक है। तो मैं मान लो कि सपोज एग्जाम्पल्स के लिए ये इमेज डालता हूँ, है ना। ऐसे ये प्रॉपर काम नहीं करेगा क्योंकि इसकी साइज काफ़ी बड़ी है, आप देख लेना इस चीज़ को। तो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ, अपलोड हो जाएगा और अपलोड होने के बाद क्रॉप का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। मेरी तबीयत बहुत खराब है यार, फिर भी वीडियो बनाना पड़ता है, अगर वीडियो नहीं बनाऊंगा तो क्लास में लोग हंगामा मचा देंगे, तो उससे बढ़िया है कि वीडियो बना ही दो। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे शो नहीं करा इमेज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं डन कर देता हूँ यहाँ से, आप करना कोई दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ शो कर देगा। अब वेट करो, यहाँ पे हीडर जो है वो यहाँ पे वर्क में है। देखिए अब मैं यहाँ से प्रीव्यू कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा हेडिंग में DCA के बाद, तो यहाँ पे आप वो इमेज लगा सकते हैं जैसे एडमिशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पे लगा दीजिए, हाँ अपना लोगो लगा दीजिए, अपना नाम, फोटो वगैरह जो भी लगाना है, मतलब अपने इंस्टीट्यूट का हेडिंग में अपना इमेज वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डाल दिया। अब देखिए अब वो हो गया है, ये ड्राफ्ट में सेव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो ये वक्त ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ये गूगल ड्राइव में सेव होता जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे है आपका टाइटल की, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं वो PGDCA के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे
फॉर्म डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप जो एडमिशन ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत कि हाँ भाई एडमिशन का जो लास्ट डेट है वो 2 दिन तक है, है ना। या फिर कुछ अगर आप यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को कि हाँ भाई अच्छे से फॉर्म भरना, अच्छे से फोटो वहाँ पे लगाना, जो भी आप वहाँ पे बताना चाहते हैं वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, है ना। अब आपको तो पता ही होगा कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है ना। तो जिसका आप एडमिशन ले रहे हैं, जैसे PGDCA का ले रहे हैं, तो आप थोड़े बहुत वहां बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, है ना, जो भी आप बताना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं कि एड, यहां पे मैं कर देता हूं वैलिड टी मार्च से 25 मार्च 2021, है ना। ये एडमिशन डेट मैं करता हूं, एडमिशन डेट ये मैंने कर दिया। और भी जो जो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डालना है, कुछ भी एड्रेस जो भी आपको डालना है वहां डाल दीजिए, ये आपका हो गया। अब आगे बढ़िए। अब अगर मान लीजिए कि अगर आपको इसमें कुछ भी और क्वेश्चन ऐड करना है, जैसे आपको बच्चे से एड्रेस वहां पे मांगना है, बच्चे से पिन कोड मांगना है, मोबाइल नंबर मांगना है, तो सब कुछ आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप यहाँ सेटिंग भी देख लीजिए। सेटिंग में आपको जनरल, प्रेजेंटेशन है, क्विजेस है, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे रिक्वायर्ड साइन इन है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। जैसे क्या होता है कि अगर हमने किसी को फॉर्म भेज दिया, और मान लो हमने किसी व्यक्ति के पास फॉर्म भेजा और उसने एक बार एडमिशन ले लिया, और बार बार वही व्यक्ति उसी ईमेल आईडी से एडमिशन फिर से लेना चाहता है, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कर देंगे सिर्फ यहाँ पे लिमिट 1 रिस्पॉन्स, केवल एक ही रिस्पॉन्स वो कर सकता है। यानी कि जब भी वो फॉर्म भरेगा तो ईमेल आईडी मांगेगा, और उस ईमेल आईडी से सिर्फ एक ही बार हमारा फॉर्म वो भर सकता है ना। और यहाँ पे अगर क्लिक कर दो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, मतलब ईमेल आईडी उसको कलेक्ट करेगा जो भी रिस्पॉन्स आएगा रिसिप्ट में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करने देता हूँ। अब यहाँ से एडिट आफ्टर सबमिट, मान लो कि कोई बंदा एडमिशन ले लिया और उसने सबमिट कर दिया, तो यहां से एडिट आफ्टर सबमिट, अगर कोई सबमिट कर देगा तो फिर उसको एडिट कर सकता है। तो आप अगर वो एक्सेस देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो सबमिट करने के बाद फिर से वो एडिट कर सकता है, ठीक है। बस यही 2-3 ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है बस, और बाकी कुछ भी ध्यान में आपको नहीं रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग बारी बारी से क्वेश्चंस को ऐड करते हैं जो हमें एडमिशन के वक्त बच्चों से पूछना है, है ना। जैसे नाम, एड्रेस, पिन कोड, आधार, जो भी पूछना है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, ऐड क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस का ऑप्शन आ रहा है, एक यहाँ इमेज का ऑप्शन आ रहा है, एक मल्टीपल च्वाइस आ रहा है ना। तो बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले आपको अपने एडमिशन फॉर्म में क्या पूछना है, तो सबसे पहले तो आप नाम ही पूछेंगे, तो हम यहाँ पे नाम डाल देते हैं। अब जैसे ही आपने नाम करा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो गया, यानी कि जो गूगल फॉर्म है वो समझ गया, है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सजेस्ट कर दिया शॉर्ट आंसर। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि किसी का नाम बहुत बड़ा होता है, शॉर्ट में ही होता है ना। अब अगर मान लीजिए आप यहां पर क्लिक करते हैं और करते हैं पैराग्राफ, अब किसी का नाम पैराग्राफ में थोड़ी ना होता है, बड़ा सा नाम थोड़ी होता है, नाम तो शॉर्ट होता है, शॉर्ट पैराग्राफ में ही होता है, तो आप यहां पे क्या करोगे, शॉर्ट आंसर रहने दोगे, ठीक है। ये ऐसे यहां पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं जो हम लोग बारी बारी से ये सब देखेंगे, कोई हार्ड नहीं है। इसे आपको डेट भी पूछना है, होता है ना एडमिशन जब होता है एडमिशन तो वहां डेट भी पूछा जाता है, तो डेट यहां ऐड कर सकते हो, टाइम ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने यहां पे नाम ऐड कर दिया है ना, अब यहां नाम हो गया हेडिंग में, अब जो स्टूडेंट है वो यहां पर है ना अपना नाम भर सकते हैं। अब बात आती है यहां पर इमेज का, अगर आपको इसमें इमेज भी अटैच करना है ना, इस वाले सेक्शन में अगर आपको इमेज अटैच करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे क्लिक कर देते हैं और ब्राउज पे क्लिक करते हैं, और जो इमेज हमें ऐड करना है मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। ऐसे अगर आप इमेज डालोगे तो भद्दा लगेगा, क्योंकि अगर आप नाम पूछ रहे हो तो वहां आप इमेज क्यों डालोगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर जहां पर नीड हो वहां पर इमेज अटैच कर सकते हो, ठीक है, हमने इमेज अटैच कर दिया। अब ये इमेज खुद फुल स्क्रीन में शो कर रहा है, ये आपके पास 3 डॉट है,
अगर आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखो लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, चेंज, रिमूव, एड अ कैप्शन। तो मान के चलिए कि आपको इमेज को लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, या फिर इमेज को चेंज करना है तो आप इमेज को चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपको इमेज को डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, या फिर ऐड अ कैप्शन, अगर आपको इमेज में कैप्शन लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो। मैं क्या करता हूं, कैप्शन पे क्लिक कर देता हूं। तो देखो नीचे में एक ऑप्शन आता है कि आप इस कुछ भी यहां पर जैसे मान लीजिए है तो यहाँ इमेज वन कुछ भी कैप्शन इमेज के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो। जैसे मान लो ये इमेज कुछ पीजीडीसी का, तो आप पीजीडीसी कुछ भी करके हमने लिख दिया, ठीक है, आप वहां पे कैप्शन लगा सकते हो। ओके, लेकिन ये भद्दा लगता है क्योंकि आप एडमिशन फॉर्म में इमेज नहीं लगाओ, बेकार ही लगेगा। अगर आप किसी से नाम पूछ रहे हो तो वहां पे इमेज थोड़ी ना शो कराओगे। हाँ, अगर आप उसकी फोटो लेनी है, जब एडमिशन फॉर्म बनता है, जब कोई बच्चा एडमिशन फॉर्म वहां भरेगा तो वहां पे आप उनका ना फोटो ले सकते हो कि हाँ भाई आप अपना खुद का फोटो अपलोड करो, तो उसका ले सकते हो। आप अपना खुद का क्यों दे रहे हो, ये खुद भद्दा लगेगा, ठीक है। जहां पर नीड रहता है वहां पे डाल सकते हो। तो मैं थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको रिमूव करता हूं। बाकी ये सब समझ गए होंगे आप कि अगर इमेज को लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट कर सकते हो, ये इमेज खुद बड़ा है तो ये कहां शो करेगा, आपने पढ़ा होगा ना, लेफ्ट अलाइन सेंटर सब भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, ये हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे आता है, एक है रिक्वायर्ड, ठीक है, और एक है डिलीट, और एक है यहां से डुप्लीकेट, और एक है यहां पे थ्री डॉट, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर मान के चलिए कि आपने जो यहां पर यहां से नाम पूछा, अगर आपको इसको डिलीट करना हो, इसको पूरे को डिलीट करना हो, तो आप यहां से डिलीट वाले पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। फिर से यहां पर एड करना पड़ेगा और यहां से नेम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, हमने नेम यहां पर भर डाला, ठीक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा, यहां पे डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट क्यों करेंगे, जैसे मान के चलिए कि आपको इसी के जैसा और बनाना है। अब अपने नाम पूछ दिया तो ये तो फाइनल है कि आप उसे एड्रेस भी पूछोगे, नाम के बाद एड्रेस पूछोगे, तो एड्रेस पूछोगे तो फिर से आप यहां पे प्लस पे जाओगे, है ना, और फिर से लिखोगे। तो इससे अच्छा है कि आप इसको डुप्लीकेट कर दो, ठीक है। जब डुप्लीकेट करोगे तो वही वाला आ जाएगा। अब नाम की जगह पे कर दो यहां से एड्रेस, है ना। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, नाम फिल करने के बाद यहाँ पे एडमिशन को फिल करेंगे, ठीक है। ये दो चीज आपने कर डाला। अब आप यहां से प्रीव्यू करके देखो कि आपको किस तरह का शो कर, देखो यहाँ पे नाम में यहाँ पे आप लिख सकते हो, और यहां से एड्रेस में आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पे, है ना, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेगा। तो हम लोगों ने सिर्फ अभी यहाँ पे नेम और एड्रेस को ऐड किया है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं किया है। अच्छा, अब बात आती है कि मान के चलो मैं क्या करता हूं, इसको रिक्वायर्ड करता हूं, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने रिक्वायर्ड कर दिया तो स्टूडेंट को भरना है तो भरना है, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा कि मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूं तो ऐसा संभव नहीं है, ये रिक्वायर्ड है, मतलब इसको आपको भरना ही है हर हालत में। अगर आप रिक्वायर्ड नहीं करेंगे तो स्टूडेंट इसको छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया रिक्वायर्ड, अब आगे जाएंगे एड्रेस, इसको भी कर दूंगा रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, अब मान के चलिए कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर भरना क्या है। ऐसे तो पता है कि नाम वहां पूछ रहा है या और एड्रेस पूछ रहा है, तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है, लेकिन मान के चलो पता ही नहीं है कि एड्रेस कैसे भरना है। तो आप क्या कर सकते हो, ये थ्री डॉट पे आप क्लिक कर सकते हो, कहीं पर भी, पहले वाले में या दूसरे वाले में जो भी करना है, तो थ्री डॉट पे क्लिक करोगे और यहां पर शो है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आप यहां से डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे और यहां पर एड करोगे कि देखो भाई तेरे को जहां खुद का नेम डालना है, ये आपका हो गया डिस्क्रिप्शन। जब इसको हम यहां से प्रीव्यू करेंगे तो देखिए क्या शो करेगा, ये देखो खुद रिक्वायर्ड कर रहा है ना, रिक्वायर्ड यहां पे ऊपर में खुद बता रहा है कि जो यहां पे स्टार लगा हुआ है वो रिक्वायर्ड है, ये आपको भरना पड़ेगा। देखो नेम यहां पे लगा हुआ है स्टार, ये भी स्टार है। अब बात कहा था नीचे, देखिए यहां पे भाई तेरे को यहां खुद का नाम डालना है, देखो यहां पे हिंट्स दे दिया। होता है कभी कभी कि आप बच्चों से कुछ पूछ रहे हो और उसका मतलब ही उसको पता नहीं है, तो आप उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। अब यहां पे वो आराम से लिख सकता है, ऊपर में शो करते रहेगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, तो हम लोगों ने यहां कर लिया, अब एड्रेस में भी यहां कंप्लीट हो गया। अब फिर से इसको डुप्लीकेट कीजिए या फिर प्लस वाले पे क्लिक कीजिए और फिर से आपके पास आ जाएगा। तो अपने नाम पूछा, एड्रेस पूछा, अब यहां पे हम लोग कर देंगे डिस्ट्रिक्ट, हम पूछेंगे ना डिस्ट्रिक्ट। अब यहां पे इसको शॉर्ट ही रहेगा, शॉर्ट आंसर, इसको भी कर देंगे रिक्वायर्ड, ठीक है।
आगे फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टेट पूछेंगे इससे, और इसको सॉर्ट ऑटोमेटिक कर देता है, इसको भी रिक्वायर्ड कर देंगे। कंप्लीट है, हम लोगों ने इतना पूछा। अब आगे जाते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, ये हट गया। ठीक है, यहाँ से अनचेक कर दोगे ना तो वो हट जाएगा, अगर चेकआउट रहेगा तो वो शो करते रहेगा। आगे चलिए, मैं फिर से प्लस पे क्लिक करता हूँ। अब आता थी यहाँ पे कि उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, जो जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर पूछना चाहते हो, मोबाइल नंबर, अभी हो गया मोबाइल नंबर। शॉर्ट आंसर में आप यहाँ पे शॉर्ट ही रहने दो, अच्छा होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर खुद डालेगा, रिक्वायर्ड कर दो इसको। ठीक है, अब आगे जाते हैं, ये हमने चेंज कर दिया क्या, नेम है, ठीक है, हमने उल्टा कर दिया। देखिए अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे देखिए ध्यान से एक ऑप्शन मिलता है 6 डॉट का, यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, नीचे ड्रैग करके आपको जहां पर लेकर जाना है आप आसानी से उसको लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ चलाया, अब फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा थोड़ा सा, मोबाइल नंबर हो गया, आधार नंबर तो लेना नहीं है, क्योंकि अगर आपको करना है तो कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एडमिशन के लिए आप क्या क्या बच्चों से पूछना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, मैं आपको पूरा यहाँ पे मतलब सिर्फ बता रहा हूँ। अब मान के चलिए कि आप एडमिशन ले रहे हैं, तो बच्चों से तो ये तो कंफर्म है कि आप वहाँ पे फोटोज को अपलोड करवाएंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कोई वीडियो यहाँ पे रहे, जैसे होता है कभी कभी कि बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आप अपने यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं और वहां पे खुद बता सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके आपको एडमिशन लेना है, है ना। आप अपना खुद का इंट्रो लगा सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया। देखो यहाँ पे इंपोर्ट क्वेश्चन, आप अगर पहले कोई फॉर्म बनाए हैं तो वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड इमेज है, आप इमेज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड वीडियो, आप यहाँ पे वीडियो को ऐड कर सकते हैं। ये सभी चीजें, ऐड सेक्शन, आप सेक्शन बना सकते हैं, यानी कि अभी जो आप काम कर रहे हैं वो सेक्शन वन में है, यानी कि एक अलग ये फॉर्म है, लेकिन जैसे ही आप एक और सेक्शन ऐड करेंगे तो आपके पास दो फॉर्म आ जाएगा, पहले इसको भरेगा उसके बाद उसको भरना पड़ेगा। मतलब आपने देखा होगा ना ऑनलाइन फॉर्म में कि पहला फॉर्म भरो फिर नेक्स्ट अगला फॉर्म आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करो अगला फॉर्म आ जाएगा। आपने देखा होगा कि जब हम एडमिशन फॉर्म कभी भरते हैं, फिल करते हैं ऑनलाइन, तो वहां पे नेक्स्ट नेक्स्ट 3-4 मतलब 3 या 4 स्टेप होता है, तो वही है आपका सेक्शन बन जाता है। तो हम यहाँ पे और आगे पूछते हैं, हम यहाँ पे करते हैं अपलोड योर, है ना, अपलोड योर फोटो, है ना। अब यहाँ पे मल्टीपल च्वाइस को कर देते हैं यहां से फाइल अपलोड, है ना, तो यहाँ फाइल अपलोड। अब क्या करेगा ये खुद कह रहा है, देखो गूगल ड्राइव क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ 1 GB तक आपको वहां पे एक्सेस देगा, इससे ज्यादा नहीं, है ना, अगर आप फॉर्म भरा दे तो। आप यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे खुद, यहाँ पे देखो मैक्सिमम फाइल साइज, मैंने अभी क्या बोला कि 1 GB तक देता है, आप यहाँ पे 10 GB करो, देखो नहीं लेगा, लेकिन अगर आप यहाँ 1 GB करो तो 1 GB ले लेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टूडेंट यहाँ पे अपना जो फोटो है वो अपलोड करेगा तो 1 GB तक अपलोड कर सकता है, है ना। लेकिन आप इतना नहीं करो, आप यहां रहने दो 10 MB तक, यानी कि जो स्टूडेंट है वो 10 MB तक अपना पिक्चर को यहां पे अपलोड कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगला जो ऑप्शन है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स, यानी कि जब स्टूडेंट अपना एडमिशन ऑनलाइन करेगा और जब वो अपना फोटो वहां पर डालेगा तो कितना डाल सकता है, 1 फोटो 2 फोटो 3 फोटो कितना डाल सकता है, तो यहां नंबर ऑफ फाइल है, तो आप अगर यहां 5 कर दोगे तो वो मैक्सिमम 5 फोटोज को वहां पे अपलोड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहने दो इतना ही, अब कर दो इसको रिक्वायर्ड, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम लोग प्रीव्यू करके देखते हैं, है ना, हम बाद में आपको ये भी बताएंगे कि एडमिशन कैसे लेंगे और वो कहां पे जाएगा। देखो नेम आ गया, एड्रेस आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, स्टेट आ गया, मोबाइल नंबर आ गया और अपलोड योर फोटो आ गया। जब यहाँ पे कोई क्लिक करेगा, देखो यहाँ पे स्टेट रिक्वायर्ड कर रहा है, यानी कि भैया ये सब भरना पड़ेगा, है ना, सब रिक्वायर्ड है ये सब, है ना, यहाँ पे रिक्वायर्ड किया हुआ है तो सब भरना पड़ेगा ये। ठीक है, अभी वेट करो, अभी तो हुआ नहीं है कुछ यहाँ पे, अभी तो बहुत कुछ करना यहाँ पे बाकी है। अब देखिए आपने यहाँ पे अपलोड योर फोटो किया, अब और क्या आपको बच्चों से पूछना है, जो भी पूछना ऐड कर सकते हो। अब एक चीज जो अमेजिंग चीज है वो देखो यहां पर है, जब आप यहां पे प्लस पे क्लिक करते हो या मल्टीपल चॉइस, देखो यहां पे मल्टीपल चॉइस चेक बॉक्स ड्रॉप डाउन, जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी एडमिशन फॉर्म वहां ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो वहां पे ऑप्शन देता है चूज योर स्टेट, है ना,
चूज योर स्टेट, और जब हम वहां पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुलकर ऑटोमेटिक आ जाता है, बस वहां पे क्लिक करना है और चूज करना है। तो वो ऑप्शन आप ड्रॉप डाउन में कर सकते हो, एक से ज्यादा ऑप्शन है तो आप मल्टीपल चॉइस करो, है ना, या ड्रॉप डाउन वाला सिस्टम करो। तो मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे मान के चलो मैं यहां कर देता हूं स्टेट, है ना, चूज करने के लिए बच्चों को स्टेट। अब यहां पे कर देता हूं मल्टीपल चॉइस, तो ये मल्टीपल चॉइस करना था, आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हो, तो मैं करता हूं मल्टीपल चॉइस। अब पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन देता हूं स्टेट में, यहां पे यूपी, अब यहां पे पहला मेरा हो गया, है ना। अब यहां पे अगर आपको और ऐड करना है तो आप ऐड अदर पे क्लिक करके आप और ऐड कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहां पे करता हूं यूपी के बाद यहां से झारखंड में कर देता हूं यहां से, ठीक है, हमने कर दिया यहां पे, गलत हो गया, झारखंड, ठीक है, हमने कर डाला। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट में, तीसरा जो हमारा ऑप्शन है यहां पे हम कर देंगे बिहार, और यहां पे ऐड सेक्शन में कर देंगे एमपी, बस ये देखो। अब आपको मैं दिखाता हूं, अब मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूं क्या फायदा होता है। बच्चे आराम से यहां पे देखो चूज करेंगे, यूपी चूज करेंगे, झारखंड चूज करेंगे, जिसको जो चूज करना है वो आराम से यहां पे चूज करेगा, यादर है, अदर यहां ऑप्शन देगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप यहां पे नाम लिख सकते हो, यानी कि इस तरह से ऑप्शन देगा उसको चूज करने के लिए। ये जो ऑप्शन आपने स्टेट का दिया आप इसको हटा सकते हो और यहां पे ऑप्शन दे सकते हो। अब यहां पे और भी फीचर्स है कि आप ये जो दिए हैं वो मल्टीपल चॉइस है, है ना, तो आप यहां से ड्रॉप डाउन कर दे सकते हैं, ड्रॉप डाउन करेंगे और अब इसको आप प्रीव्यू करके देखिए तो यहां पे किस तरह का शो करेगा। देखो जब यहां पे चूज का ऑप्शन दिखेगा, यहां पे क्लिक करेगा तो उसके पास ये शो करेगा, है ना, जो आप चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा देखो यहां पे, और यहां पे चेक बॉक्स है यहां पे, अब ये अगर इसको आप अनचेक कर दोगे तो यहां पे सॉरी अब ये अब चेक हुआ, ठीक है ना, पहले नहीं था। अब यहां पे देखिए कैसा दिखेगा आपको, देखो ये चेक बॉक्स है, यहां पे चेक करने वाला ऑप्शन आ गया, देखो चेक चूज करो यहां पे, ठीक है, तो जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम यहां पे नहीं होगा। अब देखो यहां पे टिक बॉक्स ग्रिड है, मल्टीपल चॉइस है, आपको लीनियर स्केल में करना है, आप करके देखो। मान लो कि मान लो मैं करता हूं मल्टीपल चॉइस ग्रिड, यहां पे क्लिक करता हूं, देखो ऐसा हो गया। अब मैं यहां से प्रीव्यू करके दिखाता हूं आपको, देखो यहां पे क्या शो कर रहा है, ये इस तरह से आपको रो में, क्या था ये, सॉरी मैंने देखा नहीं, यहां ग्रिड में आ गया, आपका ग्रिड में आ गया, देखो इस तरह से आ गया, देखो देखो यहां पे क्लियर सेक्शन, यहां पे देखो ये ऑप्शन आता है। और अगर आपने यहां पे इसको बॉक्स में कर दिया तो अभी इसको आप प्रीव्यू करके देख सकते हो, ये बॉक्स की तरह शो करेगा, देखो ये देखो यहां पे जो करना आप उसके बाद सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई अपना खास है नहीं कि आपको दिक्कत होगा, अभी मेन चीज तो बचा हुआ है, अभी तो यहां बचा हुआ है कि हम लोग खुद से फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद सबमिट करेंगे और देखेंगे कि फॉर्म हमारे पास आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए अब ये तो हमारा हो गया, मैं इसको रिक्वायर्ड कर देता हूं यहां से, सिंपल सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, बाकी आप खुद से डिजाइन कर लेना इसको। अब आगे बात करते हैं यहां पे कि मान के चलो मेरे को क्या और ऐड करना है, यहां पे टाइम डेट, कोई एडमिशन जब करेगा तो वहां पे डेट भी पूछेगा, तो यहां पे हम कर देते हैं डेट भी ऐड करते हैं, प्लस पे क्लिक करके यहां पे डेट कर देते हैं। अब यहां से इसको रिक्वायर्ड करते हैं, अब देखो यहां से प्रीव्यू करते हैं, ये बहुत सारा आ गया, मैं इसको सबको हटा देता हूं, फालतू का ही सब, ठीक है। चलो यहां पे थे हम, यहां पे थे, ये हमारा डेट, देखो देखो ये आ गया ना, यहां पे वो, यहां से देखो डायरेक्ट क्लिक करके देखो 19 है 20 है जो भी, यहां से आराम से वो डेट को यहां पे देखो, है ना, वो फिल कर सकता है डेट को, ये डेट का ऑप्शन है। टाइम का ऑप्शन भी दे सकते हो आप प्लस पे क्लिक करके, यहां पे प्लस पे अपने क्लिक कर दिया, मल्टीपल चॉइस है, यहां पे चूज करो टाइम कर दो, है ना, टाइम पे क्लिक करोगे तो यहां पे अब प्रीव्यू करोगे यहां पे तो देखो क्या शो करेगा, यहां पे टाइम का भी ऑप्शन आ जाएगा, देखो टाइम है, है ना, यहां पे टाइम भी आप ऐड कर सकते हो, देखो यहां पे, है ना, सब कुछ यहां पे है। और अगर आप यहां पे एक्स्ट्रा देखो यहां पे अगर आप ऐड वीडियो, अगर आप यहां वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, कुछ भी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, देखो यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ऐड सेक्शन, अगर आप ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक नया सेक्शन आ जाएगा, देखो पहला ऊपर में था सेक्शन वन है, देखो सेक्शन वन ऑफ टू है ना, देखो और नीचे सेक्शन टू है। अब आप इसको प्रीव्यू करके देखो क्या होता है, यहां पे देखो ये आपका पूरा है, यहां तक पूरा है, अब देखो नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट का ऑप्शन। तो ऑनलाइन एडमिशन जब होता है तो ये जब कोई फॉर्म भर देगा तो उसके पास नेक्स्ट वाला ऑप्शन आएगा, जब नेक्स्ट पे कोई क्लिक करेगा तब आगे वाला यहां पे ऑप्शन देगा, लेकिन ये पहले रिक्वायर्ड है, पहले ये आपको भरना पड़ेगा, जब आप इसको भरेंगे नहीं तब तक आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक आप आई होप आप समझ गए होंगे,
है ना। बाकी की चीजें का मैंने तो सब कुछ आपको बता ही डाला है ना, सब कुछ यहाँ डुप्लीकेट सेक्शन। अगर आपको पूरे सेक्शन को यानी कि सेक्शन वन में जितना भी ऑप्शन आपने ऐड किया है अगर पूरे को डुप्लीकेट करना है तो आप यहां से डुप्लीकेट कर दो। मोड सेक्शन करना है यानी कि अगर आपको सेक्शन वन वाले को सेक्शन टू में करना है, सेक्शन टू वाले को सेक्शन वन में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपको डिलीट सेक्शन, अगर आपको सेक्शन को डिलीट करना है, जैसे फर्स्ट सेक्शन वन है तो सेक्शन वन को डिलीट करना है तो आप डिलीट सेक्शन पर जाओगे और यहां से आप डिलीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और ये सेव भी हो चुका है। ठीक है, और ये चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एंड टाइटल है, आप इसको नेम दे दो। जैसे ही हमने वहां पर क्लिक किया तो वहां नाम बदल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबको रिमूव करेंगे और हम लोग देखेंगे कि जो मैं यहाँ से फॉर्म बना रहा था वो हमारे ड्राइव में ऑटोमेटिक सेव हुआ है नहीं, और फिर हम लोग फिर ऑनलाइन एडमिशन भी यहाँ पे करने वाले हैं और देखेंगे कि कोई भी रिस्पॉन्स हमारे पास आता है या रिस्पॉन्स फिर हम लोग के पास नहीं आता है। ठीक है, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, पूरे को क्लोज करता हूँ। अब गूगल ड्राइव को मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि वो बैकअप बनाया है या फिर नहीं। देखो पीजीडीसी एडमिशन फॉर्म, अब आप जब भी आपको इसको एडिट करना हो कर सकते हैं, कभी भी इसको एडिट करो, पब्लिश करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, जो फॉर्म हम लोगों ने बनाया उसका लिंक हम लोग कॉपी करते हैं और उसको शेयर करते हैं और हम लोग खुद से एडमिशन लेते हैं और देखते हैं कि हम लोगों के पास कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं। ये हमारा फॉर्म है, अब इसका लिंक हमें कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे, सेंड पे जाएंगे और यहां से अगर आपको कोई ईमेल पे डायरेक्ट भेजना है, किसी के ईमेल पर ये एडमिशन फॉर्म भेजना है तो ईमेल आईडी डालोगे और यहां सेंड कर दोगे, है ना। लेकिन अगर आपको लिंक कॉपी करना है तो यहां पे क्लिक करोगे और लिंक को कॉपी करोगे, लेकिन ये लिंक बड़ा है तो यहां शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करोगे और ये लिंक छोटा हो जाएगा। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो, अब आप इसको जहां पेस्ट करोगे, जहां शेयर करोगे, जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा तो आपका जो फॉर्म है वो खुलकर आ जाएगा। अब जो जो यहां पे ऐड किए थे वही शो करेगा, है ना। अब यहां पे हम अगर कोई अपना डिटेल्स देंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे, ठीक है, अभी तो नेक्स्ट का ऑप्शन रहा क्योंकि हम लोगों ने टू सेक्शन ऐड किया था, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगा। तो मैं करता हूं नाम करता हूं ए, एड्रेस में लिखता हूं बी, डिस्ट्रिक्ट लिखता हूं सी, स्टेट लिखता हूं डी, मोबाइल नंबर यहां पे देना पड़ेगा यार 6287 32 87 95, ऐड फाइल है तो मैं यहां पे क्लिक करता हूं, यहां से अपने कंप्यूटर से कोई एक अपनी फाइल को, चलो मैं ड्राइव का ही डाल देता हूं और हमने डाल यहां पे अपलोड कर दिया, यहां पे अपलोड कर देते हैं। अपलोड ये हमारा हो रहा है, फाइनली हमारा ये अपलोड हो चुका है, है ना। देखो यहाँ पे आप स्टेट चूज करने के लिए बोला है तो बिहार कर दूंगा, यहाँ पे डेट चूज करने के लिए कर रहा है तो मैं डेट यहाँ का दे देता हूँ, हो गया मेरा। टाइम कर रहा है तो टाइम भी हम यहाँ से दे देते हैं, चलो यार कुछ भी कर देते हैं, इनवैलिड बता रहा है यार, ये तो गलत तो है ही क्योंकि अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो बज रहा है हमारा 2:20 2:20, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देंगे 1 सेकेंड, इनवैलिड 2, टैब दबा करके 20, है ना, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और टैब दबा देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से कुछ नहीं पूछ रहा है, बस सबमिट कर देना है क्योंकि हमने सेक्शन टू में कुछ नहीं ऐड किया था, तो हम यहाँ से अब सबमिट कर देंगे। देखिए हम लोगों ने सबमिट कर दिया, देखो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये वो सबमिट हो गया। ठीक है, इसी ईमेल से अगर कोई दोबारा करना चाहेगा तो वो नहीं होगा बिकॉज हमने वहां पे कर दिया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास आया कि नहीं। जैसे हमारा ड्राइव है, मैं पूरा क्लोज करता हूं और ये मैं ओपन कर देता हूं फॉर्म को, जो फॉर्म को अपने बनाया। अब रिस्पॉन्स देखो यहाँ पे 1 शो कर दिया, इस पर क्लिक करो, यहाँ बता दिया कि भाई एक व्यक्ति है जो, देखो यहाँ पे नाम ये है, एड्रेस भी है, डिस्ट्रिक्ट सब यहाँ पे डिटेल्स दे रहा है, मोबाइल नंबर सब कुछ शो कर रहा है। यहाँ पे देखो इमेज वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, व्यू फोल्डर फोल्डर भी कर सकते हो, कहाँ से कहाँ कौन व्यक्ति कहाँ से कितना आ रहा है वो सब है, टाइम वगैरह सब यहाँ शो कर रहा है, डेट वगैरह शो कर रहा है और यहाँ से क्वेश्चंस है, यहाँ पे देखो सब क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंडिविजुअल सब कुछ यहाँ पे बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो हमें, लाइव चैट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।